जेमा समले जे कसल सबको मोर जुहार मुई सीमा स्वागत करछे मोर YouTube चैनल के। तो आज के हमें बनामा मेहंदी रा गुटे नुआ रेसिपी। तो चलो वीडियो के स्टार्ट करमा। वीडियो स्टार्ट करबार आगरु वीडियो यदि भल लागजे वीडियो के लाइक करबो, कमेंट करबो, शेयर करबो। आ यदि चैनल नुआ छ चैनल के सब्सक्राइब करी पाखे जन बेल आइकन सेटा क्लिक कर देबो। तो चलो वीडियो के स्टार्ट करमा। जेन मानकर भेणी तुनटा फेवरेट है से माने ई रेसिपी के थरे ट्राई करबे। आ जेन मानको भेणी तुन भल नहीं लगे से माने भी थरे ट्राई करबे और कमेंट रे जणाबे केनता लागला जे। तो भेणी रो मसला बनावार लागि मैं चारटा सीझा आलू नै छे, इतर छिलका अलगे नामा, इन चार चामच बेसन निया है छे। इता के कढ़ाई के तवा रे हल्का गरम करके इता के लाल हेबार तक के भाजी जामा। बेसन के इन भाजी सारा पर मुझे गोटे मीडियम साइज प्याज नहीं चाहिए इतना पूरा छोट छोट कर काटी दमा। इन मुझे भेणी 200 ग्राम नहीं छे। भेणी के पहला धोई करी इटा के भल से पुछी नहीं छे। पुछी सारा पर इटा के मझे काटी दे इधर गोटे साइड कटा है और तल साइड लगे से मैंने कि दुई साइड पूरा नहीं काटी दे। इनो देखुन एंता मझीरे काटी दे। तो इन मुझे दुईटा देखे दूचे क्या काटी दीटा के इटा के एंता मझीरू काटी दे करी एंता टे अलगे लामा। इतार मझी जेन मंजी थीसी मंजी के मुझे अलगे दूचे आप अलगे भी चलवा। तो देखो एंता काटबे देखिकी काटबे नहीं तो तार तल साइड भी काटी ही जीवा। तो आ गोटे भी देखो एंता सेम प्रोसेस रे मैं काटी नौ छे। इनो जेते भेणी थिला सबु के पुए एंता काटी नै छे। भेंडी भीतर मसला देवार लगी हमें एन आलू सीझे के रखी थी ना आलू के नहीं जीमा। इतने एवं दे दमा टेस्ट हिसाब से नून मुझे हाफ चामच नौ छे। गोटे पिंच हल्दी नहीं जीमा। गोटे चामच धनिया पाउडर हाफ चामच जीरा पाउडर गोटे चामच लाल मिर्च पाउडर नहीं जीमा। और इन जन प्याज छोट छोट कर काटी रखी थी ना प्याज के दे दमा। प्याज दे सारा पर आलू के इन भल से मैश कर दमा भल से बिले दमा इटा के काणा ऐसी ना। आम भेंडी जदि गोटे प्रकार सब बेले खाए खाई बोर लगे जाती न तो एंता प्रकार किसी बन रखे आ टेस्ट बताबे केनता लगला जे। तो इन आमर आलू भल से बिली गलान इतने जन आम भाजिके रखीचु बेसन दे दमा 4 चामच। बेसन दे सारा पर भल से मिसी दमा। बेसन देले काणा हेसी तुनटा आ टेस्ट भी लगसी आ मसला के जान भेंडी भितर दमा मसला बाहरी कर नहीं आसे। तो मोर मसला इना पूरा रेडी अच्छे जेन भेंडी काटिक रखी थी मसला के अंदर भेंडी भितर दे दमा। तो देखुन मुझे केनता हिसाब दौसे एंता करी सब भेंडी रे दे दमा। तो देखुन इन भेंडी मसला गुटे बनी गलान आ गोटे एंता सेम प्रोसेस रे बने दमा। तो देखुन आ गोटे भेंडी रे मुई एंता मसला दे दूसें ये भेंडी थी सबुति एंता मसला दे सेम प्रोसेस रे बने नमा। इने देखुन भेंडी देखबार के भी केते सुंदर देखा जाउछे आ मसलाटा हमर फ्राई कला बेले बाहरी करबि नि आसे। तो जेते भेंडी अछे सबके मुइने बने नै छे सबुतिरे मसला दे दै छे। एबे गुटे कढ़े की तावा नै जिमा। तो मुइने तावा नै जेछे तावा गरम हे सल्ला परे इनो 2 चामच तेल दे दउछे गुटे चामच सरसो दे दमा।
सोरसो इना फुटी गला पर जेन भेंडी मसला भर के रखी छु भेंडी के दे दमा मीडियम फ्लेम रे देखे कि ढापी करी 2 मिनट छाड़ी दमा गुटे साइड हे सल्ला पर ताकि आ गुटे साइड उल्टे दमा तो देखुन भेड़ी न हो गला न दलाल हो गला काढ़ी दमा बाकी जिते थी बाकी के भी एंता सेम प्रोसेस रे छाड़ नमा तो इन मुई तबारे फिर तेल टिके नहीं जाइ छे तेल गरम हो गले सुरसो दे देनी सुरसो फुटी सल्ला पर इन जिते भेड़ी थी भेड़ी के देदमा भेणी दे सारा पर भी सेम प्रोसेस रे भाजते जमा मिनिट हो सारा पर देख गोटे साइड टिके हे बसला न तो ये देखिए उल्टे दमा देखिए मझे मझे एंता उल्टे दूमा ना तो ये पोड़ जावा तो आम भेणी गोटे साइड हो सारा न देखिए मझे मझे उल्टे सारा पर देख इन आम भेणी हो गला देखिए काढ़ी दमा तो देखो आमर भेणी न के देखवार के टेस्टी दिशुचे ये खेले भी ये टेस्ट लग्सी तो ये घरे ट्राए करब कमेंट रे जनाब फिर थे मिलमा नुआ रेसीपी सांगे।